इस अभ्यास में एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करेंगे, जिसकी भुजा बीसी 9 सेंटीमीटर, भुजा एबी 7 सेंटीमीटर और कोण बी 60 अंश दिए गए हैं। सबसे पहले 9 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड बीसी खींचें। अब बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचें। बिंदु बी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएं। यह चाप बिंदु बी से खींची गई रेखा को बिंदु ए पर काट रहा है। बिंदु ए से रेखाखंड बीसी के बराबर अर्थात 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएं। बिंदु सी को केंद्र मानकर रेखाखंड एबी के बराबर अर्थात 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा दें। बिंदु ए और बिंदु सी से लगाए गए चाप एक दूसरे को बिंदु डी पर काट रहे हैं। बिंदु ए को बिंदु डी से मिला दें। इसी प्रकार बिंदु सी को बिंदु डी से मिला दें। आपने समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना पूरी कर ली है।